जैसे कि हमें पता है कि इंडिया यूएसए के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की डील साइन कर चुका है, जिसमें इंडिया यूएस फर्म जनरल एटॉमिक से 31 MQ-9B ड्रोन्स परचेज करेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे MQ-9B ड्रोन्स को परचेज करने का प्लान और नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, और फिर इवेंट्स के बाद करीब 10 साल बाद इंडिया ने फाइनली इनको एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। बट आज हम बात करेंगे कि इस हाई वैल्यू $3.9 बिलियन की डील साइन करने के बावजूद भी इंडियन मीडिया और इंडियंस में कोई उस लेवल का रिस्पॉन्स देखने सुनने को नहीं मिला जो इंडिया ने रफाइल्स के टाइम पर दिखाया था। पहले बात करते हैं MQ-9B ड्रोन्स और रफाइल्स की एस्टिमेटेड प्राइस की। यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट के फरवरी के एक प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग 31 MQ-9B प्रेडेटर्स के टोटल पैकेज की कॉस्ट है $3.99 बिलियन। बट इस टोटल पैकेज में कई तरह के सपोर्टिंग इक्विपमेंट और वेपन्स और अदर सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। सो अगर हम सिर्फ 31 ड्रोन्स की बेस कॉस्ट को देखें तो ये करीब $3.3 बिलियन बनती है। अब बात करते हैं रफाइल्स की। इंडिया ने फ्रांस के साथ रफाइल्स की डील 2016 में साइन की थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 फाइटर्स का एग्रीमेंट साइन किया गया था। रफाइल्स का एस्टिमेटेड बेस प्राइस था 91.7 मिलियन यूरोस पर एयरक्राफ्ट। 91.7 मिलियन यूरोस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये होगा अराउंड $100 मिलियन। सो देखा जाए तो एक MQ-9B और एक रफाइल की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज में आते हैं। देखा जाए तो एक फाइटर जेट है और दूसरा अटैकिंग के साथ साथ सर्विलेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट द्वारा इस डील को ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट करने के बाद भी इंडियन मीडिया में इसकी डिस्कशंस रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा देखने को मिला। बट दूसरी ओर जब पहला रफाइल इंडिया में लैंड हुआ था तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान, चाइना और फ्रांस में भी देखने को मिला। इंडिया को रफाइल्स का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को मिला था और इसकी कवरेज इंडिया द्वारा इस हद तक की गई थी कि एक बार तो COVID-19 भी एक सेकेंडरी मुद्दा बन गया था और मीडिया द्वारा इसको इतना स्ट्रॉन्गली और वाइडली प्रोजेक्ट किया गया कि पाकिस्तानी और चाइनीज मिलिट्री कमेंटेटर्स और वेटरन्स के भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले। 4.5th जनरेशन रफाइल को उस टाइम पर चाइना के 5th जनरेशन J20 से भी सुपीरियर बताया गया था, बट चाइना की तरफ से इंडिया के इस कंपैरिजन पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले। इंडिया की रफाइल्स पर कवरेज इतनी स्ट्रांग थी कि फ्रेंच मीडिया में भी इसका असर देखने को मिला था। कई फ्रेंच मीडिया आउटलेट्स द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि इंडिया की रफाइल्स की एक्विजिशन चाइना के लिए एक क्लियर वार्निंग है। सो क्या इंडिया द्वारा रफाइल्स की एक्विजिशन ओवरहाइप्ड थी, क्योंकि MQ-9B के इस केस में उस लेवल की अटेंशन देखने को नहीं मिली है? वेल, रफाइल्स की इंडियन मीडिया में स्ट्रॉन्ग कवरेज के दो मेन कारण थे। पहला है रफाइल्स की कैपेबिलिटी, क्योंकि रफाइल एक प्रूवन 4.5th जनरेशन फाइटर है और इंडियन एयरफोर्स में 4th जनरेशन मिराज 2000 की एक्विजिशन के बाद करीब 40 साल बाद पहली बार इन वेस्टर्न फाइटर्स को शामिल किया गया था। और दूसरी ओर रफाइल्स की इंडक्शन IF की डिप्लीटिंग स्क्वाड्रॉन्स के लिए भी थोड़ी राहत थी, क्योंकि इंडिया को उस टाइम पर अर्जेंटली एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जिसको पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जा सके। दूसरा रीज़न है चाइना, क्योंकि उस टाइम इंडिया और चाइना की बॉर्डर टेंशंस भी काफ़ी हाई चल रही थी। सो रफाइल्स की डिलीवरी को कवर करना ना सिर्फ इंडियन मीडिया के लिए ज़रूरी था, बट इंडिया के लोगों में भी काफ़ी जोश था। और अगर हम रफाइल्स और MQ-9B को कंपेयर भी करें, नॉट कॉस्ट वाइज बट कैपेबिलिटी वाइज, तो लास्ट में एक है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरा अनमैंड एरियल व्हीकल। प्राइस टैग चाहे सेम हो बट फाइटर एयरक्राफ्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। MQ-9B ड्रोन्स के पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से इनकी कैपेबिलिटीज़ पर भी कई सवाल उठे थे, जैसे कि लास्ट ईयर इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बाद यमन बेस्ड हाउदी रेबल्स द्वारा कई MQ-9 रीपर्स को शॉट डाउन किया गया था। इसके अलावा लास्ट ईयर भी USA के दो MQ-9 रीपर्स लॉस्ट हुए थे, एक इराक में और दूसरा रशियन फाइटर्स के साथ कोलाइड होकर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था।
बट इन इंसिडेंट्स से हम इनकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यूएसए के इन रीपर्स और प्रेडेटर्स द्वारा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में कई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को भी मारा जा चुका है। सो इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन और पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर्स पर सर्वेलेंस के साथ साथ ये ड्रोन्स कॉम्बैट एरिया में भी पूरी तरह से कैपेबल होंगे। बट यस, अगेन राफेल्स की एक्विजिशन MQ-9B के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज अ फाइटर जेट इज़ अ फाइटर जेट।